हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गोवर्धन पूजा मनाने। और हमारे जो गोबर के जो गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं, कि इधर जो गोवर्धन पूजा जो NCR में मैंने देखा है वो जेंट्स लोग मनाते हैं, और हम अपने तरफ देखा है वो बहनें जो होती हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारी बच्ची हो, तो बहनें बनाती हैं। और उस दिन भाई के लिए लंबी आई के पले, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हमारे यहाँ ये पूर्वांचल और बिहार में अब हम पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमने जो गोवर्धन गोबर का जो हमने स्टेचू बना रखा उनका, गोवर्धन भगवान का, अब यहाँ पर सारी महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। अब यहीं पे वो क्या होता है कि ये शराबती हैं, रिंगनी के कांट होता है उसी को तोड़ करके, और शराबती हैं भाई के लिए, मरने जीने की कामना करती हैं। और वही जब कूटने गोवर्धन कूटने के बाद, ये देखिए इसको रेंगनी के कांट है, ये मेरी मदर हैं। अब ये देखिए अपने भाई के लिए अभी भी कामना कर रही हैं, उनके लिए श्राप रही हैं। तो क्या होगा कि अभी आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये गोवर्धन भगवान हैं, वाइफ हमारी हैं, इनको टीका वगा लगा रही हैं। उसके बाद ये क्या किया जाएगा कि ये देखिए इनके सिर के ऊपर मटका रखा जाता है गोवर्धन के ऊपर। उसके बाद इसको एक बलि जो होता है कोई, उसको पूजा की जाती है, इसी से उसका सिर कुटा जाएगा। अब हम चूँकि छोटे छोटे थे, ये जो हमारा ब्लॉग है बेसिकली गोवर्धन पूजा और यहाँ का गोवर्धन पूजा में बहुत अंतर है। और यहाँ तो क्या होता है कि शाम के टाइम में देखता हूँ जेंट्स लोग करते हैं गोवर्धन भगवान की पूजा करके, उनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और हमारे यहाँ के जो पूर्वांचल बिहार की जो गोवर्धन पूजा होती है, उसमें हमने देखा है कि जो बनते तो सेम उसी तरह है, लेकिन लेडीज़ करती हैं, पुरुष नहीं करते, लेडीज ही पूजा करती हैं। और अभी हम आपको देखिए अब आगे की विधि बता रहे हैं। अब देखिए इनका ये भी गोवर्धन महाराज की ये मटके रख कर इस पर लेडीजें चारों तरफ इकट्ठी। अब ये देखिए ये गोवर्धन महाराज कूटा जा रहा है। अब इसका लॉजिक क्या है हमें जानकारी तो नहीं है, बट यदि किसी सज्जन को, किसी भाई को, किसी दोस्त को, किसी मित्र को जानकारी हो तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि इसका लॉजिक क्या है। हमें जहाँ तक जानकारी थी मैंने आपको बताया। और अभी क्या इसके नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमने बचपन में देखा, जो यहाँ पर गोवर्धन महाराज के जो यहाँ पर जो गोबर होता है इसको उठाकर बहने ले जाती हैं। और अब तो खैर मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो इनको पिड़िया लगाती थी और सवा महीने तक लगाती थी, और ये सवा महीने बाद ये गंगा जी या जहाँ भी जल का कोई साधन होता था वहाँ विसर्जित करती थी, और भाई के लिए उस दिन सवा महीने बाद फिर मिठाई खिलाती थी। और अभी भी जो यहाँ पर बहनें पूजा करती हैं, अभी यहाँ से चना लेके जाएंगी, और चना ले जा करके और अपने भाई को चना पहले खिलाएंगी, उसके बाद मिठाई खिलाएंगी। अब हम पास से आ गए और अब हम अपने घर आ गए। अब यहाँ पर बच्चे अब आए, बिटिया ये बड़ी वाली, तो बेटे को टीका होगा करेंगे अभी। अभी टीका किया और सेलिब्रेट किया हम लोगों ने गोवर्धन पूजा। गोवर्धन जो पूजा भाई दूज समझिए। अब यहाँ से हम जा रहे अपनी बहन के यहाँ, तो बहन के यहाँ हमारा देखिए यहाँ हम सेलिब्रेट, बहन हमें टीका कर रही हैं और इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब लोग। उनका ये बहन का पोता है कियान, ये भी हम लोग साथ साथ इंजॉय कर रहा है। अब आप भी हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारा जो प्रयास है, जब आपको पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट हमारे ब्लॉग के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।